और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने भाजपा सांसद नायब सैनी से खास बातचीत की, सुनिए। बीजेपी सांसद नायब सैनी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली विधेयक जो है लोकसभा में पास होता हुआ नजर आया, आम आदमी पार्टी लगातार सवालिया निशान उठाती हुई नजर आ रही है, सर किस तरीके से देख रहे हैं एक पूर्ण बहुमत के साथ जो है विधेयक जो दिल्ली सर्विसेज बिल था वो पास होता हुआ नजर आया? देखिए कल आदरणीय अमित शाह जी जो बिल लेकर के आए हैं, बहुत सारी जब उस डिबेट हो रही थी उस डिबेट के अंदर इस प्रकार की बातें निकल करके आई जिसको देश को शायद उन बातों के बारे में नहीं मालूम है। केजरीवाल साहब ने ईमानदारी का चोला पहन करके, सबसे कट्टर भ्रष्ट आदमी अगर कोई है तो वो केजरीवाल और उसका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट आदमी वो निकला है, और किस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है और गुमराह करके किस प्रकार से उनको सुविधाओं से वंचित रखने का काम वो केजरीवाल ने किया है। और उसी को लेकर के, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के वीआईपी लोग आते हैं और यहाँ पर सर्विस देना, यहाँ पर सुविधा देना वो केंद्रीय सरकार की जिम्मेवारी है। और क्योंकि दिल्ली पहले ही यूटी है, उसको अलग से जिस प्रकार से ये बात करता रहा है कि मुझे शक्तियाँ किस बात की, क्योंकि यूटी के अंदर तो क्योंकि ये प्रावधान है पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी है, परंतु जिस प्रकार से इसने जो भी शक्तियाँ इसके पास थी, जो भी ताकत थी, उसका दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करते हुए आप कहीं पर भी देखेंगे बड़े बड़े घोटाले, शराब का बड़ा घोटाला, इन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल बना करके देंगे, कितने हॉस्पिटल बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 लाख रुपए तक का गरीब व्यक्ति को ये अधिकार दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है कि वो अपना इलाज जा करके करा सकता है, मोहल्ला क्लिनिक कुछ खोल दिए उस पैसे से खोल दिए और खोल करके उसकी अपनी वाबाही लूटने का काम कर रहा है, परंतु वहाँ पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और स्कूलों के बारे में किस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, कितने स्कूल बनाए, वो भी क्योंकि 9 साल का कार्यकाल इसका हो गया है, 9 साल के अंदर अगर स्कूल नहीं बन रहे हैं, यमुना की सफाई की बात इन्होंने की है, एक बार नहीं की, शुरू से इन्होंने यमुना की सफाई की बात की है जब से ये सत्ता के अंदर आए हैं, परंतु आज तक हर बार जब चुनाव आता है कि मैं इतनी तारीख तक जब चुनाव जीतूंगा उसके बाद गंगा की सफाई कर दूंगा, परंतु क्या हालात है आपके सामने, कहीं पर भी दिल्ली को पूरा का पूरा डिस्टर्ब करने का काम केजरीवाल साहब और उसकी सरकार ने किया। हाँ, एक काम जरूर किया इसने, ये व्यक्ति जब बोलता था, ये तो लोगों के सामने बोलता था, आंदोलन अन्ना हजारे के मंच से निकल करके आया और इतनी बड़ी फाइल इसने शीला दीक्षित की तैयार की हुई थी कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को भ्रष्ट कर दिया और अपने घर के अंदर ऐस प्रस्ती से उसने वहाँ पर पैसा खर्च करके अपने मकान बनाया और यहाँ तक बोलता था कि उसके हर कमरे के अंदर एसी लगे हुए हैं, ये तो उसको भी काट के चला गया, ये तो उसको भी पीछे छोड़ गया, और उसको पीछे छोड़ करके अपना शीश महल खड़ा कर लिया, गरीब व्यक्ति की नहीं सोची, गरीब व्यक्ति कैसा अपना जीवन व्यापन कर रहा है, फ्री पानी की बात कर रहा था, पानी नहीं दे पा रहा है, ये पानी नहीं पहुंचा पा रहा है, अपने आप राजशाही जिंदगी जी रहा है और लोग भाड़ में जाएं और खड़ा होकर के ईमानदारी का चोला लोगों के सामने बोल देता है, परंतु लोगों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं आज तक नहीं मिली और लोगों को गुमराह करके झूठ बोल करके सत्ता हथियाने का काम किया। कल जो ये दिल्ली सेवा बिल आया सर्वसम्मत से सभी, क्योंकि जो कांग्रेस के सहयोगी दल थे उन्होंने भी उनकी अंदर से जो मूक उनकी सहमति इस बिल के अंदर रही है उन्होंने भी उसका समर्थन किया। आदरणीय अमित शाह जी ने इस बारे में कहा भी है कि ऐसा व्यक्ति है कि जिसके बारे में उन्होंने सारा तथ्य रखे कि ये देश का पहला ही ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो सेक्रेटरी से साइन नहीं कराता, डायरेक्ट मंत्री साइन करके भेज देता है।
बहुत सारा इसका घपला भ्रष्टाचार उसके अंदर आया है और आगे आएगा, क्योंकि वो जो रिपोर्ट थी पुलिस की, क्राइम की रिपोर्ट थी, वो उसने दबा रखी हैं फाइलें और वो उसको नहीं जाने दे रहा, और उसके कारण इसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया सभी ने इसका समर्थन किया, और समर्थन करके दिल्ली के अंदर वो अधिकार मिलने चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, दिल्ली की पब्लिक के लिए ये बिल आया और उसको लोकसभा के अंदर पास किया गया। सर, जीरो आर के अंदर आपका एक क्वेश्चन भी लगा हुआ, उसके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए, जीरो आर के अंदर क्योंकि हमारा जो शाहबाद का है, हम माननीय गडकरी जी को भी मिले थे और मैंने ये जीरो आर 370 में भी लगाया था कि हमारा जो NH-44 है जो दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है, क्योंकि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फोर लाइनिंग शुरू किया था, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरू किया तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, वो कांग्रेस के समय के अंदर बना, और उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि रोड्स के अंदर कांग्रेस के समय के अंदर लोगों, कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि भाई इसके ऊपर इतना ज़्यादा वाहन निकलेगा कि इसकी मजबूती ठीक होनी चाहिए, जिस कंपनी को मेरे ख्याल से था टेंडर, और उसने अपने तरीके से उसको जैसे कह देते हैं कि गढ़ से गारा तारने वाली बात है, वो काम किया है, और उसको लेकर के हम भी चिंतित थे, क्योंकि जब बरसात का मौसम आता था तो दो दो मीटर के बाद रोड के ऊपर बैरिकेड लगा देते थे कि गाड़ी नज़दीक ना जाए, कोई धस ना जाए, धस भी जाती थी गाड़ियाँ, सड़क बैठ जाती थी, टूट जाती थी बरसात के अंदर। आदरणीय गडकरी जी को हमने इस बात को लेकर के अवगत कराया और उन्होंने उस इंजीनियर को भेज करके, आदरणीय गडकरी जी ने उस रोड का सारा का सारा सर्वे किया, और सर्वे करके 550 करोड़ रुपया उस रोड के लिए जारी किया। आज मजबूती से उसके ऊपर काम लग रहा है, नीचे से उसकी फाउंडेशन उठा करके RCC और उन सब पुलों के पास उसको मजबूती से देने का काम चालू है, और उसी को लेकर के हम आदरणीय गडकरी जी को, हमारे कृष्ण बेदी जी भी मिले थे कि जो शाहबाद का पुल है, शाहबाद का पुल वो कम हाइट में वो कर दिया, और जब लाडवा रोड, क्योंकि एक ही रास्ता, दो रास्ते हैं, लाडवा रोड और बराड़ा रोड, दो रास्ते शाहबाद को, और शाहबाद के दूसरी साइड में है हॉकी का ग्राउंड है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, थाना है, और कोर्ट कम्प्लेक्स है, सचिवालय है, SDM बैठता है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सारे के सारे जो लोगों को दैनिक जीवन में काम जिनसे पड़ता है, वो सारे के सारे ऑफिस GT रोड से दूसरी साइड है, और जो पॉपुलेशन रहती है वो दूसरी साइड रहती है, और जब वो बरसात आती है, क्योंकि वहाँ पर जो अंडरपास है जो शाहबाद के अंदर लाडवा रोड के ऊपर, उसकी हाइट कम थी, गाड़ी फंस गई तो वहाँ से नीचे से उसकी मट्टी निकाल करके 3-4 फुट उसको डाउन कर दिया, और उसके कारण से जब थोड़ी सी भी बरसात होती है तो उसके अंदर पानी का जल भराव ज़्यादा हो जाता है, उस समस्या को लेकर के, क्योंकि एक ही रास्ता है शाहबाद का, दो रास्ते बाहर आने के, और उसके ऊपर इस प्रकार की दिक्कत आती है, तो आदरणीय गडकरी जी ने उसको सुन कर के उसका समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम इसका समाधान करेंगे, उसको लेकर के हम मिले थे, और उसी का क्वेश्चन आज हमारा ये लगा हुआ है, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी लगाया था, आज वो लगा, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, उसको लेकर के हम प्रोएक्टिव होकर के काम करते हैं, जो भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान हो, सरकार के ध्यान में लगाने का काम करते हैं, आज वो क्वेश्चन हमारा लगा हुआ है। नायब सैनी थे, जनता TV से खास बातचीत कर रहे थे, कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता TV दिल्ली।